वेलकम टू पाकिस्तान इंडियन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही मैं आज नहीं कहूंगा सैड, क्योंकि मतलब एक सैड वीडियो होने लगी है, इंटरेस्टिंग मैं नहीं बोलूंगा इसको। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन वध सीन, मतलब डेथ सीन है उनका महाभारत में। तो मतलब इसकी बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, हद से ज्यादा इस सीन का हमें बोला गया कि इस पर एक्शन दिया जाए और लाजमी दिया जाए। अभिमन्यु जो कि अर्जुन के बेटे थे भाई, आपको पता है मतलब महाभारत में अर्जुन जो एक स्टार प्लस पे सीरियस पहले नहीं आता था, ये वो अलग, वो जिसमें भाई आपको महाभारत एक सीरियस सीरियल आता था, देखा था ना ये उसका, ये हिंदू धर्म की ओरिजिनल स्टोरी पे वो सीरियल बना हुआ था। अच्छा, और ये ओरिजिनल स्टोरी होगी ये जो अभी दिखाएंगे ना आपको। अच्छा, ये अच्छा, मतलब एक उसको क्रिएट किया गया, उसको क्रिएट किया गया, ये हिस्ट्री है बिल्कुल। तो जल्दी से देखते हैं, इसका बहुत ज्यादा बोला गया हमें, तो जल्दी से देखते हैं और काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये है, तो कभी कभी ये कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती, मतलब मेरा आशीर्वाद है तुम्हें इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ, समझे, सदा के लिए अमर हो जाओ। पीछे बाप खड़ा और वो हैरान हुआ थोड़ा, मतलब हैरान हो गया वो थोड़ा ना, वो अर्जुन था पीछे। ये क्या था इनका, वो उसने पकड़ लिया तीर था ना, हाँ उसने पकड़ लिया। ये देखो, ये लगता है वॉर के अंदर सीन है। ओ ये दुर्योधन था, ये दुर्योधन है, उसको जमा दिया, उसको जमा दिया, मतलब दुर्योधन को काफी वॉरियर समझा जाता था, उसको भी जमा दिया। ये देखो मतलब इसका वो मतलब, ये देखो भाई, अरे ये देखो क्या बात है, मतलब इतना पावरफुल था ये। ये फादर के टांगों में करण नहीं, अर्जुन भी बने, अर्जुन अभी ये करेगा, इसने फेंका, अच्छा उसको लगा और इसने पकड़ लिया। दुर्योधन ये क्या है, ये वो चक्र है ना, हाँ वो जो होता है बिल्कुल, मुझे बोल दो ये क्या वॉर, इतने सारों ने मारा इसको, वो तीनों के साथ भाई, ये देखो इसको जख्मी कर दिया। ये तो उनके गुरु थे बिल्कुल, ये अर्जुन लोगों के गुरु थे जो इनके फादर लोग, इनको भी जख्मी कर दिया। ये क्यों करते हैं, मतलब फाइट हुई थी ना भाई, वो उनकी साइड हो गई। ये देखो वो तेरी बात, मतलब ये तो अनबीटेबल वॉरियर था यार, ये देखो सबको मार रहा है, ये तो सबको मार रहा है ना, वो तीर ला दिया, हटा दिया वो, ये तो कर्ण ने मारा इसको, इसको मतलब लॉर्ड कृष्ण को पता लग गया तो वो उनको भी थोड़ा हुआ, वो इतने लोगों ने मारा था भाई।
उठा लिया फिर भी उठाया। देखो फिर भी लड़ रहा है भाई, उसको फिर भी फेंका इसने करण ने। फिर उठाया ये देखो भाई कितने इकट्ठे ने इस पे हां वो किया अटैक यार। ये देखो कितने इकट्ठे योद्धा आए हैं सारे उसके उनके, कोई पीछे से चाकू मार रहा है, कोई आगे से मार रहा है। ये देखो दुर्योधन ने मारा, ये अब आखिर पे आया ये कर्ण। इनकी तरफ हंस है अर्जुन को, ओ यहाँ पे मुझे गूज बम मिला। मतलब लॉर्ड कृष्णा भी रहे हैं, उनको पता लग गया और ये मतलब फादर को नहीं पता लगा, मतलब उनके सामने नहीं हुआ ना, लेकिन उनको पता था साहब लॉर्ड कृष्णा को। इसी साथ ये वीडियो खत्म भाई। लास्ट वाली दो जगहों में मुझे बहुत बड़ा घुसघुस मिला और यार ये क्या सीन था मैं बता नहीं सकता भाई आपको, इसका इतना नहीं पता होगा मैं बताता हूँ। ये अर्जुन का बेटा था अच्छा, और कर्ण इनके मतलब चाचा थे लेकिन इनको नहीं पता था अच्छा, ठीक है अच्छा। ये उन्होंने बोला जो आखिर पे है ना कि मतलब संसार के सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बेस्ट योद्धा का अवार्ड अगर मतलब वो मतलब जो खिताब होता है मतलब हम जिसको खिताब बोलते हैं मतलब वो ना मुझे मिल सकता है ना अर्जुन को, यानी क्योंकि वो तुम छीन लिया है यानी जिस तरह ये वाली जो आपने छीन लिया है। और भाई ये इसके साथ मतलब एक मतलब तंग कर रहे थे उसको, सारे मार रहे थे इतने बड़े इतने मतलब एक बच्चे को, बच्चा था बच्चा था ये बड़ा नहीं था ये बच्चा था और कितनों के साथ लड़ा और महान योद्धा जो उधर थे उनके साथ दरम्यान में इसको फंसा लिया था उसको मार रहे थे हाँ। फिर अर्जुन ये कर्ण मेरे ख्याल में इसमें सैड था हाँ। कर्ण इसमें काफी सैड था कि मतलब फिर उसने आखिर पे इसको मतलब ये फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा था हारने के लिए कर्ण आया और फिर ये उसके कान में बोला हाँ। और फिर यानी फिर भी उनके साथ इतने तीर और तलवार वगैरह लगने के बाद भी उनके साथ अकेला लड़ता रहा है मुसलसल। पहले उनपे भारी पड़ रहा था भाई, ये उनपे भारी पड़ रहा था, कोई पीछे से इसको मारा किसी ने मतलब यार क्या भाई ये मतलब देख कर एक बंदा मतलब थोड़ा यकीन करो थोड़ा बंदा सैड हो गया हो जाता है यार। और ऐसे ऐसे घूस भी बम जिसमें मिले मैं बता नहीं सकता यार, क्योंकि भाई ये सीन ही ऐसा था। और लॉर्ड कृष्णा ने शुरू पे क्या बोला कि अमर हो जाओ तुम ना, स्टार्टिंग में उनके उनको पहले से पता लग गया उनको पहले से इस तरह क्यों बोला है किस वजह से बोला है। हाँ तो फादर भी पीछे से थोड़ा मतलब हैरान हो गए थे क्या हुआ मतलब। हाँ तो मतलब जो जब ये हो रहा था मतलब उनके फादर को नहीं पता लगा लेकिन लॉर्ड कृष्णा रो रहे थे मतलब उनको मतलब सब पता लग रहा था युद्ध के दौरान ही वो रो रहे थे उनको हाँ, पता चल गया उनको पता लग रहा था जब वो हो रहा था उधर वो रो रहे थे। तो
तो मतलब यार इतने सारों ने मिलकर एक मतलब बच्चे को यार मारा था यार, मुझे ये अभी समझ आया। और मतलब इस तरह यार मतलब इतना पावरफुल था ये अभिमन्यु, बिल्कुल सही बात है, इतना पावरफुल भाई। यानी उन्होंने कहा है कि वो उनकी सेना का जो चक्र है वो तोड़ने वाला कौन है, वो अभिमन्यु है। बिल्कुल आखिर पे इस तरह बोला, मुझे उधर भी लगा। और इसकी यार मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब ये और कोई इनके बारे में आपको कुछ पता हो तो हमें लाजमी बताना, क्योंकि ये सीन सीरियसली यार बहुत ज्यादा एक सैड सा था और मैं बता नहीं सकता कि कैसा ये सीन था भाई। ऐसे इसमें फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकता, इस तरह हमें महसूस हुआ इसमें। सो गाइज आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में दें, या इसी तरह का और भी कोई सीन हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।